आज जब आप यहां पे खड़े हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आई थिंक ये 20 साल की जर्नी है मेरी ऐसे <laughs> ही ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है मैंने कहा एक्टर है बोले दिखने से तो लगते नहीं वो एक्टर हो तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो छह फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे ऐसा 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 समझता था वो और शिप्रा मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी क्योंकि पांच फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी काला कलूटा मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा बट एक जिद थी एक जिद थी और हजारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब ऑर्ड सिचुएशंस के बावजूद भी गए लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है तो अलग क्या करूं अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहां पर और अपने एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ़्ट उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था अरे यार तो, तो बहुत खूबसूरत दिखता है फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे ऐसा नहीं किसी चीज़ को बारीकी से जानना उसके लिए ट्रेनिंग की एक्सपर्ट्स की, एक्सपर्ट की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गए जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर हैं काम दोगे क्या तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था और वो बात भी सही थी क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई, कोई इतना बड़ा कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का पाँच फोट छे इंच का आदमी पतला दुबला सा मरियल सा कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं हीरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं ऐसा चलन था ही नहीं मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं और उस चीज़ का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों या दस साल या बीस साल या तीस साल तीस साल के बाद नंबर ज़रूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर दो साल ट्राई करके देखता हूँ उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज़ का पैशन होता है जज्बा होता है अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं क्योंकि यह आपने चाहा है परीक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो तो उसके लिए उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकम्फर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत पैशन आपके अंदर होना चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं ये सिर्फ़ इसी बिना पे हुए हैं पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट एक एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं कई बार फेलियर होते हैं कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई एक चीज़ करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है बहुत बार फेलियर हुए हम लोग लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती फॉर एग्ज़ाम्पल एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो सौ बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी ज़िंदगी में सौ बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फार्मूला तो ये था बल्ब बनाने का तो एटलीस्ट उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि सौ जो तरीके हैं सौ तरीक़ों से बल्ब नहीं बनता ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है हमारे पास बैक नहीं है कि हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं हम ही हैं तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका एक्सपीरियंस सुनते थे उनको ऑब्ज़र्व करते थे तो आई थिंक मेरे पास पंद्रह साल तक दस साल दस बारह साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही दस दस सेकेंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता तो पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज़ थी कि लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है हज़ारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहाँ तो मुझे लगा यार ये मैं तो ट्रेंड भी हूँ मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हज़ारों लोगों को मैं ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है ये तो सब ये तो ये, तो, ये इससे तो मैं बहुत बहुत कुछ कर जाऊँगा तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हज़ारों लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा उसी में वो ठाकरे बाड़ा साहब ठाकरे होंगे उसी में मंटो होगा उसी में गणेश गायतोंडे होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में माजूमदार साहब होंगे तो इस तरह के ये कब हुआ जब मैंने लोगों हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया लोगों के बीच में रहे मैं पंद्रह साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था आप फॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला को, तो कभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होते ना वो एक मौका होता है आपके पास वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उस उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप तो मेरी लाइफ बहुत ही आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था जो पंद्रह दस बारह साल मैंने बिना काम के गुजारे जो लोगों के बीच में रहा था मैं आज वो काम आ रहा है मेरे जहाँ जरा सो कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही आसपास का ही ये बंदा है मैंने देखे हैं इस तरह के लोग आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं क्योंकि खुजली आपको हुई है आप ही को मिटानी पड़ेगी यू <laughs> नो you know? आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं कुछ काम मिल नहीं रहा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा फिर ये होता था कि नहीं मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिख के दे लिखती थी मुझे हमेशा तब मोबाइल वोबाइल नहीं आए थे पेजर पेजर आए थे तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो मेरी वहाँ मुझे एक लेटर लिखती थी तो उसको लिखती थी कि कच लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि बारह साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं तू तो इंसान है तू तेरा दिन भी बदलेगा तो उन सब चीज़ों को देख के कोई एक शेर कोई एक कोटेशन कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती हैं जो लाइन्स आपको उनका रहना उन पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ाने के लिए और जब ख़राब वक्त होता है आपको वो लाइन्स वो पोइम्स वो वो सारी चीज़ें आपको संभल देती हैं मज़बूती देती हैं ताकत देती हैं और मैं जिस गांव से आया था डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना जब हमने शुरुआत की थी वहां पे जब मैं था वहां पे वहां पे लाइट भी नहीं थी एक घंटे के लिए रात में कभी आ गई या एक महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई इस तरह की लाइट इस तरह होती थी वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया लैंप तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली हमारे दिल्ली मतलब छोटा सा उससे बड़ा शहर भी हमें भू ऐसा लगता था पता नहीं क्या है मतलब डर लगता था मैं जब मुंबई में आया था तो मैं पंद्रह दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी तो इस तरह के डर थे लेकिन ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो वो बोलते क्यों भाई वापस आ गए तुम भी जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे तुम भी वापस आ गए चलो लग जाओ ठीक है गाँव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग कि शक्ल तो देख ले फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे अब हमने वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ क्या सूरज शक्ल तो थो, ही थी तुम्हारी स्टार बनने की एक्टर बनने की तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गाँव जाता था ना जहाँ से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से न वहाँ जाता था मैं मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा रही बात सक्सेस की सक्सेस अगर तीस साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए सक्सेस की कोई डेट नहीं होती कोई टी तार, तारीख नहीं होती कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी इंसान का काम होता है आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो और पैशन पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पैशन से क्या होता है जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेल्स डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं समंदर देखते हैं समंदर की जब गोता मारते हैं नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू ऐसी आपका भी फील्ड है कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है उसमें असीम संभावनाएं है होती हैं इतनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर हर काम में इतनी पॉसिब सिर्फ अगर एक दर्जी है पैंट सीता है एक हज़ार तरीके की पेंट सी सकता है वो अगर वो चाहे तो अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो एक हज़ार तरीके की पेंट उसी में एक हज़ार तरीके की सी देगा वो पेंट ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं और एक परफेक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में जैसे एक मैंने एग्ज़ाम्पल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चूँकि मैंने बचपन में सुनी थी उन पे दिमाग उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे हूँ इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए बताते हैं कि एक बहुत बड़े पता नहीं ये सच है झूठ है मुझे नहीं इतना ज़्यादा नहीं मालूम बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मोची थे जूता सीते थे लेकिन जूता जहाँ से सीते थे ना वहाँ से कभी फटता नहीं था वो भले दूसरी जगह से फट जाए लेकिन वहाँ से नहीं फटता था क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना काम भले ही वो है वो लेकिन उस काम में भी उनका उनका पैशन है तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके है क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने उन्हें सी दिया वहाँ पे, जिंदगी भर वहाँ से जूता नहीं फटेगा तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन पैशन ये सारी चीज़ें होती है जो आपका आगे बढ़ाती हैं बहुत आगे ले जाती हैं लेकिन उसके वही है कुछ चीज़ों का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है फिर एक्सपीरियंस आपका आपके नॉलेज जैसे मेरा मानना है कि मैं कभी मैं आई एम सॉरी टू से बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ मेरे सामने आज तक मेरी मेरे सामने लकीली कोई चीज़ नहीं हुई कि मैं लकीली यहाँ तक पहुँच गया आज जो आप प्रोमो देख रहे थे जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी मैं लकीली नहीं पहुँचाऊँ यहाँ पे मैंने उसके लिए मेहनत की है मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है अगर लक पे डिपेंड करता ना मैं तो अपने एक रूम में रहता देखते हैं यार लक जब होगा तो हो जाएगा ऐसे थोड़े ना होता है ठाकरे बाड़ा साहब रह, ठाकरे का जब मैंने रोल किया तो वो लकीली नहीं हो गया उसके लिए एक महीना में पहले हारमोनियम पे बैठा मैं कि बाड़ा साहब कहाँ से बोलते हैं उनका सुर क्या है उनका टेक्सचर क्या है उनकी वॉइस का उनकी वॉक कैसे है वो चलते कैसे हैं उनका वेट किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है हर आदमी का जो वेट होता है किसी का थाइस पे होता है किसी का फूट पे होता है किसी का बट पे होता है वेट किसी का कमर पे होता है हर आदमी का एक वेट शिफ्ट करने का एक अलग तरीका होता है तो मैं हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि बाड़ा साहब किन चीज़ों पे वेट कर रख के चलते हैं ऐसे चलते हैं कोई या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं ये क्यों इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती है जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाड़ा साहब का रोल कर रहा था तो वो मिमिक्री भी नहीं होनी चाहिए कॉपी भी ना हो जैसे अमूमन अक्सर होता है जब हमारे यहाँ बायोग्राफी की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं उसकी कॉपी करना मतलब अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो वो वीकनेस समझी जाती है क्या आप वीक एक्टर हो और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था मैं ट्रेनिंग के फायदे बता रहा हूँ आपको जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था ये हमें तभी समझ में आ गया था और प्रिपरेशन के वक्त बाला साहब की प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैंने इसकी मिमिक्री नहीं होनी बाला साहब की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए ना कॉपी होनी चाहिए और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे हैं क्योंकि चैलेंज ये था कि हजारों लाखों वीडियोस हैं बाड़ा साहब ठाकरे के हर आदमी ने देखे हुए हैं सब ने देखे हैं कि बाड़ा साहब कैसे बोलते हैं कैसे हाथ को ऐसे ले जाते हैं एक बार ये हुआ था कि हम मैं जब इसकी शूटिंग कर रहा था ठाकरे मूवी की शूटिंग कर रहा था मैं तो उद्धव साहब ठाकरे जो है वहाँ पे आ गए थे वैनिटी में बैठे थे मेरे सामने तो मैं मेरा हाथ ऐसे था लाइक दैट like तो बोले आपने हाथ ये ऐसे क्यों रखा हुआ है मैंने उनका हमेशा ऐसे ही रहता था हाथ तो और यही वो क्या होता था वो सिगार पीते थे और सिगार ऐसे पिया जाता है कुछ ऐसे और इसलिए उनका हाथ हमेशा नॉर्मली भी रहता था तो ऐसे रहता था और यहीं से जब स्पीच देते थे यहीं से ये जाता था जो उनका सिग्नेचर वो, वो जेस्चर था तो वो हो रोग कि इतनी डिटेलिंग इतनी डिटेलिंग आपने के ली है तो जब वो फिल्म देखी जब फिल्म देखी उन्होंने तो फिल्म देखने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि वाकई बहुत स्टडी की है नवाज़ ने उनके बाड़ा साहब के ऊपर तो मुझे खुशी हुई थी कि थैंक गॉड कि ये सारा किस लिए हो रहा है पैशन की वजह से हो रहा है एक पैशन है उसके बाद आपके आपका एक्सपीरियंस है आपकी नॉलेज है आपकी ट्रेनिंग है उससे ये सारी चीज़ें निकलती हैं लाइक मंटो ये जितने भी कैरेक्टर्स हुए वो सब हवा में नहीं हुए या लकीली नहीं हो गए उनके लिए बाकायदा बहुत छोटी छोटी मेहनत की छोटी छोटी डिटेल इकट्ठी की गई स्कोर बनाया उसका उन डिटेल्स का तब जाके वो कैरेक्टर जो आप देखते हैं वो एक अलग इंसान अल, एक अलग इंसान दिखता है वो मैंने कभी भी हीरोइज्म या इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं किया जब आज मुझे बोलते हैं कि तुम तो स्टार हो मैं मैं सच आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं स्टार में मुझे लगता है कि मैं एक्टर ही हूँ और मैं आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ नई नई डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर्स की स्टार्स का क्या होता है कि जब स्टार होता है एक जैसा होता है और तीस चालीस साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो मुझे वो नहीं बनना अगर मैं ये करूँ तो शायद दूसरे दिन ही बोर हो जाऊँगा मैं मुझे हर रोज नए कैरेक्टर ढूंढने हैं लोगों के बीच में रहना है क्योंकि लोगों ये बीच में रहने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं मैंने एक रोल किया था लंच बॉक्स में पता नहीं कितने लोगों ने देखी वो फिल्म मुझे नहीं मालूम उसका कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्त था जो मेरे रूम पार्टनर स्ट्रगल के टाइम पे मेरे साथ रहता था तो मैंने उसी को सेम उसी की डिटेल मार दी उसमें फिल्म में जब पिक्चर रिलीज हुई तो उसने देखी उसको लगा अरे ये तो मैं हूं अब वो भी एक्टर था उसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास काम मांगने जाता था तो लोग उसको बोलते थे यार ये ऐसा मत करिए नवाज ने कर दिया कुछ दूसरा कर तो बोलता हम तो ओरिजिनल में ही ऐसे हैं उन्होंने हमारा कॉपी किया है मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों के क्या होता तो है स्टार्स हमेशा शीशों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं उनको बैंड्रा में उनको मतलब किसी ऐसी जगह पर रहते हुए ये नहीं मालूम कि दूसरी जगह क्या है अगर आप चाहते हैं रोज़ हर फिल्म में एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करें तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको भले थोड़ी परेशानियां होती हैं बट रहना पड़ेगा उनके बीच में मेरा तो ऐसा मानना है नवाज़ आप बहुत छोटे से शहर से हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारी सिटीज़ से हैं एक्चुअली मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली बैंगलोर, हैदराबाद पुणे चेन्नई, नेपाल और इन सब चीज़ों के बीच में बड़े शहरों की बहुत सारी फ़ैसिलिटीज़ हैं बहुत सारे आ, आराम है जबकि आपके शहर या जिस शहर से मैं हूँ जहाँ पे एजुकेशन भी नहीं मिलती है जहाँ पे खाना पीना जैसे आपने बोला बिजली कोई भरोसा नहीं होता कब आएगी जाना तो नॉर्मल है हाँ तो वहाँ पे उस छोटे से शहर में रह के एक परिवार में जहाँ पे कभी किसी ने एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था और आप आठ भाई बहन हैं सबके साथ रह के परिवार में परिवार का चीज़ करने की जगह एक अलग से एक जो थॉट आया था अलग से कि मैं एक्टिंग करूंगा और वो भी काफी दिन बाद जब आपने जॉब भी कर ली उसके बाद तो जब वो थॉट आया तो परिवार ने आपको सपोर्ट किया और अगर रिश्तेदारों ने जैसे आपने बोला कि कहा तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता था सी मेरे दिमाग में ये तो नहीं आया था कि मुझे एक्टर बनना है बट इतना जरूर था कि कुछ कुछ तो नया करना है क्या करूँगा मुझे नहीं आइडिया था जो सब लोग करते हैं जो वो नहीं कुछ अलग करना है मुझे लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है और इसीलिए मुझे लगता है आज जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी भी फील्ड में होता एक्टिंग के अलावा किसी भी फील्ड में होता है तो मैं एक्सपेरिमेंटल ज़रूर होता क्योंकि मुझे आदत थी कि मुझे ट्रेंड जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट मैं बहुत ही रिबेलियस था रिबेलियस किस्म का इंसान हूँ मैं आज भी हूँ रहूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा हूँ चाहे मुझे अच्छा लगता है वो क्योंकि क्या है ना कि चलन जो चलन चल रहा है आई थिंक उसको उसको बहुत आसान है उस चलन के साथ चलना उसके अगेंस्ट चलना उसके लिए सालों लग जाते हैं बीच बीच में आपको ये भी ये भी लगता है कि यार शायद पॉसिबल नहीं है लेकिन जब पॉसिबल होता है ना तो तब बड़ा अच्छा लगता है तब ये ये जैसे आज मुझे फील हो रहा है ना तब ऐसा लगता है यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं और इंक्लूडिंग uh, मुझे हमने भी ऐसा कुछ शुरू किया है या हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल नहीं है जो बहुत अलग है और जिसके लिए बहुत लोग बोलते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या तुम कर रहे हो करके दिखाओ तुम कर लिए तो देखते हैं और लोग जगह जगह समय समय पर हर समय हर किसी को यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं उनको कहते हैं कि तुमसे तो हो नहीं पाएगा और हो गया तो राम जाने तो जब हमें ये कैसे हुआ फिर भी सुन लेंगे बट साथ में अगर आगे करने को करो ना तो हिम्मत नहीं होगी तो आपने जब शुरू किया और आपने जब करना शुरू किया और, किया और आज, आज आपकी वो दोस्त जिन्होंने आपको बोला या जो रिश्तेदार आपको बोलते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा वो आज क्या कहते हैं देखो ये है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे कदम कदम पे ये बोला गया जिस रिश्तेदार मेरे सबसे पहले तो रिलेटिव ही बोलते हैं आपके बोले भाई ये जो करने जा रहा है तू ये तेरे बस का नहीं है तू देख ले अपना बस का नहीं है और जब जब हो जाता है तो अफकोर्स यही क्या हमें हमने तो बोला था अब पता नहीं कब बोला था हमें उस मुझे भी नहीं पता कब बोला था उसने क्या हमने तो बोला था हो जाएगा एक किस्सा मुझे एक किस्सा मुझे याद है कि जब मेरा एक मैगज़ीन आती है जीक्यू जे क्यू जी क्यू की मैगज़ीन पर जब मेरा 2012 में मेरा छपा तो मुझे एक बहुत बड़ी मॉडल थी मुंबई की तो उन्होंने बुलाए दोस्त थी काफ़ी सालों के बाद तीन चार साल के बाद मिलना हो रहा था तब मैं तीन साल पहले स्ट्रगल ही कर रहा था ऑलमोस्ट लेकिन जैसे जी क्यू में आया मेरा मैगजीन में तो वो शॉक्ड हो गई और वो बहुत ही खूबसूरत लंबी चौड़ी खूबसूरत मॉडल की तरह बिल्कुल और मैं ऐसा दिखने में तो मुझे बुलाया बोला यार तुम तुम जे क्यू के पेज पर हो मैंने हाँ तुम कैसे जे क्यू के पेज पे आ गए मैंने पता नहीं मुझे भी पता नहीं क्यों आया हो? तुम्हें मालूम है तुम जी के पेज पे आए हो होने हाँ तुम्हें पता नहीं तुम कैसे आए हो क्यों तुम्हें मालूम है तुम जीक्यू के पेज पे आए हो शी वॉज लाइक मतलब उसको उसने बहुत अपनी जिंदगी में बहुत साल दिए इंडस्ट्री को लेकिन कभी इस तरह का कुछ हुआ नहीं कि जीक्यू के पेज पे आ गया इस तरह के हालांकि मैं ज्यादा कुछ इस चीज पर बिलीव नहीं करता बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जी के पेज पे तुम कैसे आ कैसे गए मतलब उसका कहने का मतलब यह यार तू दिखने में पांच फुट छेंज का आदमी ना तेरा शकल ना सूरत ना कुछ तू कैसे आ सकता है जीक्यू के पेज पे दिस सी सी दैट वाज द माइंडसेट ये माइंडसेट था कि मेरे जैसे कद काठी का आदमी इतनी बड़ी मैगजीन में कैसे कैसे उसका फोटो आ सकता है ये माइंडसेट था और है लेकिन इन सब को इन इन सब को इन सब के ऊपर आप तब उठते हैं जब आप अपनी अप, जब आप क्राफ्ट जानते हैं अपना काम जानते हैं हम लोग अपना काम जानते थे हम, हम लोगों को अपनी चीजें मालूम थी क्योंकि हमने उसको वक्त दिया था हमने उसको टाइम दिया था अपनी क्राफ्ट को अपनी चीज़ों को अपनी ट्रेनिंग को टाइम दिया था इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी कि हमारी जो फिल्म थी गैंग्स ऑफ़ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की वन ऑफ द इंडिया से सिर्फ वही फिल्म है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की सिर्फ वही पिक्चर चुनी गई विदेशों के विदेशों के थ्रू इसका रीजन क्या था क्यों था क्यों चुनी गई लकीली नहीं चुनी गई इसके पीछे डायरेक्टर की काबिलियत थी लिखने वाले उस फिल्म को लिखने वाले एक से एक लोग थे और जित कम से कम ढाई सौ तीन सौ सिर्फ एक्टर थे मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा वो सारे थिएटर से थे वो सारे ट्रेंड एक्टर थे थिएटर से थे वो आज जब हमें आज जब हमें जब हम हम लोग लो फिल्में लेके जाते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में वो चलती है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है तो हमें खुशी इस बात की हो रही कि, होती है कि थैंक गॉड कि उन फिल्मों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है वो लोग जिनके पीछे जो जो वाकई जिनकी स्पेशलिटी अपने क्राफ्ट में है जो पढ़ लिख के आए हैं जिन्होंने जो थिंकर हैं सिनेमा ज़रूर कर रहे हैं डायरेक्टर ज़रूर हैं एक्टर ज़रूर हैं वो लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वो ये लालच छोड़ के बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी या नहीं होगी ये इस फिल्म में इसको प्रोजेक्ट बना लो एक हीरोइन ले लो एक हीरो ले लो और पांच गाने डाल दो और प्यार मोहब्बत दिखा दो वो तो ठीक है वो भी वो भी एक तरह का सिनेमा लोग बहुत लोग पसंद करते हैं उसको भी लेकिन एक ये भी सिनेमा है ये भी सरवाइव करता है ऐसी बात नहीं ठीक है थोड़ी दिक्कतें आती हैं उस सिनेमा को लेकिन एंड ऑफ द डे जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी फिल्म जब आप बोलते हो वो ऐसी ही होती है जैसे आ, चाहे वो लंच बॉक्स हो चाहे वो गैंग्स ऑफ़ गैंगजबासीपुर हो या पुराने टाइम में जिस सत्यजीत रे की फिल्में हो, पूरी दुनिया जानती है रे साहब की फिल्में पूरे वर्ल्ड में जानते हैं लोग तो आज ठीक है आज के युग में आप आज के टाइम में आप उन सिनेमा को थोड़ा रहे तो कुछ कोई ख़ास नहीं कुछ नहीं है बट वर्ल्ड में इसी सिनेमा से जाने जाते हैं अगर चाहे वो रे हों ऋतिक घटक हों चाहे वो गरम हवा उस तरह की फिल्में जो होती थी या चो नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी हो पंकज कपूर हो तो इस तरह के एक्टर्स ने आके एक अलग धारा बनाई थी अगर बहुत लोग सुपरस्टार से प्रभावित होकर बंबई आ रहे थे तो बहुत सारे लोग हम जैसे लोग एक्टरों से इंस्पायर होकर भी आ रहे थे ऐसी बात नहीं है नवाज यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं और जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और आप काफ़ी बार इस बात को मैंशन करते हैं कि ट्रेनिंग समझना अपने क्राफ्टमैनशिप को समझ के करना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर भी एक कल्चर है जिसमें हम कहते हैं कि साथ में बैठना रहना जैसे आपने बोला साथ में रहना बहुत ज़रूरी है तो हम हमेशा कहते हैं एसोसिएशन में रहना ज़रूरी है अच्छी तालीम पाने की तरह हम कहते हैं कि अपने बिजनेस को समझना उसके अच्छे और उसकी बुराइयों को जानना बहुत ज़रूरी है और शायद आज ये मैजिक ट्रेनिंग में आपको इसलिए बुलाया है बिकॉज इनको भी यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि विश्वास करो अपने सपने पे, लगे रहो दिक्कतें आएंगी बट समझो और समझ के जब करोगे तो एंड में सक्सेस जरूर मिलेगी इस पूरी जर्नी में आपके जब आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत हो गया सफलता नहीं मिल रही है लोग आगे पीछे शायद कोई आगे बढ़ रहा था जैसे आपने बताया कि आप पहले आ, ऐसे माहौल में रहते थे जहाँ पे लोगों को एक्टिंग के लिए मिल जाते थे और आपको नहीं मिल रहा था तो कभी छोड़ने का दिल नहीं किया आपको कि छोड़ देता हूँ कुछ और कर लेता हूँ और लोगों ने बोला होगा ज़रूर छोड़ दो कुछ और कर लो क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि बहुत आसान है छोड़ना छोड़ दो नौकरी तो है करते रहो बिज़नेस क्यों करना है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आई थिंक सबसे आसान काम है जैसे आपने बताया नौकरी करना तो सबसे आसान काम है लेकिन खुद से क्रिएट करना कोई चीज़ वो वाकई बहुत डिफिकल्ट है क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी मिल गई बस आप कुछ नहीं चाहिए पूरी जिंदगी गुजार देते हैं क्योंकि मिलता रहेगा वो सो हटाएंगे तो नहीं आपको मिलता रहेगा सरकारी पैसा आता रहेगा आपके पास लेकिन ख़ुद से जब करते हैं ना तो उसको करते हुए बहुत दिक्कतें आए डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप और क्रिएशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है वो आसानी से नहीं हो जाता कोई भी क्रिएट चीज़ आसानी से नहीं हो जाती तो दब, आपके आसपास मुझे लगता है कि मो, मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें आपकी बातें सुने ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको हर वक्त आपकी आपकी बातें सुने आपको आप क्या आप चाह क्या रहे हो क्या सोचते हो आप उसकी रेस्पेक्ट करें और सारे जो ग्रुप जो ग्रुप जो होता है वो उसकी थॉट को रेस्पेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करें यू you नो know? वो बहुत ज़रूरी होता है तो आई थिंक जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर होते थे जब हम दिल्ली से मुंबई की तरफ आते हैं तो बहुत सारे जत्था का जत्था पंद्रह बीस एक्टर्स आते थे तो बीच बीच में गायब होने लगते थे वो पता नहीं कहाँ कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया किसी ने छोड़ दिया किसी ने दुकान कर ली है ना किसी ने कुछ कर लिया ऐसे चले जाते थे मैंने कहा वो एक्टर कहाँ गया वो तो चला गया क्यों ये काम नहीं मिल रहा था यार अच्छा वो तो यही है मुंबई वो क्या कर रहा है बोले कुछ नहीं कर रहा है ऐसे ही तो पता ही ऐसा क्यों होता था कुछ एक्टर थे जिनका सर्किल बहुत करेक्ट होता था और कुछ एक्टर थे जिनका सर्कल जो है ना बहुत ही गंदा सर्किल था डिप्रेस करने वाला है ना ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे वो लोग इस तरह का सर्किल था तो हमेशा ना मुझे लगता है कि अवेयर रहना चाहिए कि मैं किन लोगों के बीच में रहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डिप्रेस फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बीच में रहोगे ना तो आप भले ही एनर्जेटिक हों टैलेंटेड हों लेकिन पाँच चार छः पाँच छः सात साल रहने के बाद आप भी वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि वो एनर्जी आपकी सक कर रहे हैं आपको दे नहीं रहे कुछ भी एनर्जी आपकी ले रहे हैं वो तो बहुत सारे एक्टरों से जब मैं मिलता था वो बिल्कुल ही गिवप कर दिया था उन्होंने फनी यार ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो ऐसे और उनके थॉट भी बदल जाते हैं पता है वो सारी कंप्रोमाइज़ हो अरे यार जो भी है ठीक है थोड़ा मोड़ा छोटा पोटा दिलवा दो जो भी मने के यार तू तो, तो बहुत टैलेंटेड था तू इस बात पे आगे कि छोटा मोटा कुछ भी वो दिलवा दो यानी कि कंप्रोमाइज़ कर लिया ना उसने लाइफ से अपनी तो आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो एक्सचेंज होती है एनर्जी टकराती है एक दूसरे से दो पॉजिटिव लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दो आपको पता चल जाएगी वो एनर्जी मालूम हो जाएगी या दस लोगों में तीन तीन नेगेटिव एनर्जी खड़ा कर दो यहां पे तो वो तीन जो नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं ना वो सात लोगों की एनर्जी ऐसे खींच लेते हैं ये है फैक्ट है ये बात एनर्जी तो एनर्जी तो सर्वाइव करती है ना ट्रेवल करती है एनर्जी तो हमेशा मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव हो जो पॉजिटिव हो जिनके थॉट बहुत, बहुत अच्छे हों जो नया कुछ करने की सोच में हमेशा रहते हो, जो कुछ क्रिएट करने की धुन में रहते हो, तो इस तरह के लोगों के बीच में रह के अगर रहते हैं आप तो तीन चार साल भी आप तीन चार साल बाद भी आप भी वैसे ही हो जाते हैं हमारे यहाँ भी एक कहावत है और एक आपस में कि एसोसिएशन में रहो अपलाइन की सुनो मतलब जो भी आपके साथ बिजनेस में काम कर रहा है जो एक्टिव है और जो वर्किंग है उसकी सुनते रहो क्योंकि वो ही आपका भला चाहता है और वही आपको आगे बढ़ाना चाहता है और वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा एंड आई एम श्योर कि यहाँ आने के बाद भी आपको मैजिक की पॉजिटिविटी महसूस हुई होगी बिल्कुल ऑफकोर्स महसूस हुई मुझे मुझे तो इसी एक और सवाल पूछूं, पूछूं और सवाल आपने बहुत लंबा सफर चुना है जहां से आप शुरू हुए और अभी तक में काफी काफी साल लगे अब जब सफलता आपके पास आ रही है और आपके पास बहुत आ रही है तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता कि रिटायर हो जाऊं कब तक करूंगा करते रहना है क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आता है कि मेहनत करना शुरू किया एक थॉट एक थॉट होता है कि एक एक सक्सेस मिल जाए जैसे आपको भी लगता होगा शुरू में कि एक पिक्चर मिल जाए एक शॉट हो जाए दस हो जाए या पचास हो जाए उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा मैंने कमा लिया बट हर इंडस्ट्री में हम लोग एक रखते हैं कि यहाँ पर रिटायर होना है आपके हिसाब से इंडस्ट्री छोड़ के बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है नवाज की आप कब रिटायर होना चाहेंगे देखिए रिटायर की तो बात की बात है खैर रिटायर एक्टर तो रिटायर नहीं होता है ना जो स्टार होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं है, उनका, है, उनका करियर तब तक होता है लेकिन इसमें और इसमें फर्क होता है बिल्कुल है ना तो जैसे मैं एक एक बात कहने वाला था एक बात कह रहा था कि सिद्धि और प्रसिद्धि में फर्क है प्रसिद्ध तो सक्सेसफुल तो कोई भी हो जाएगा एक इंसान कपड़े उतार के बाजार में घूमने लगे प्रसिद्ध हो जाएगा एक मिनट में ठीक है आजकल तो इंटरनेट का जमाना है थोड़ा मोबाइल से खींच लिया डाल दिया हो गया अरे नंगा घूम रहा था बंदा बाजार में कौन है कौन है कौन है अच्छा ये नाम है अच्छा अच्छा हाँ 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 है हो गया प्रसिद्ध तो हमारे एक टीचर थे वो हमेशा बताते थे प्रसिद्धि और सिद्धि में कितना फर्क है पहले प्रसिद्धि लिखते थे और नीचे सिद्धि लिख सिद्धि लिखते थे प्र प्रसिद्धि का प्र हटा दो सिद्धि होता है तो सिद्धि जो होती है प्रसिद्धि के भी ऊपर होती है सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है सिद्धि प्राप्त करना बहुत मुश्किल है प्रसिद्ध होना बहुत आसान है हम यहां पे फ्रेंकली स्पीकिंग मैं मुंबई में प्रसिद्ध होने के लिए नहीं आया था मुझे इस फील्ड में सिद्धि प्राप्त करनी थी इसलिए आया था मैं प्रसिद्धि आज आपके पास है कलगोन के पास होगी तो इसको भूल जाएंगे परसों उसके पास होगी दोनों को भूल जाएंगे लेकिन जिसके पास सिद्धि होगी ना उसको आप कभी नहीं भूल सकते आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप उसमें उसमें आपका पैशन है जज्बा है उसमें आपका मैडनेस है तो वो आपको वो सिद्धि आपको मिलेगी गौतम बुद्ध ने भी हजार इतने इतना टाइम दिया था वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो सिद्धि प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है वो वो बिरले ही होते हैं मतलब और ये पॉसिबल है कि आपको अपने फील्ड में आप सिद्ध सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उसके लिए वही फिर वो पैशन वो वो ऑनेस्टी वो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो ज़रूरी होते हैं इनफैक्ट मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज देखे थे जहाँ पे मैंने एक कॉमन uh, चीज़ पाई कि आप हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं जो रोल करता हूँ मैं जो काम करता हूँ मैं उसमें उसमें जाके के घुस के उसको बनना नहीं चाहता हूँ जैसे आपने अभी बोला ठाकरे जी का रोल करते वक्त आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उनको कॉपी नहीं करना था बट मुझे उनको समझना था उनकी ज़िंदगी को जीना था और उसे दर्शाना था हमारे बिजनेस में भी हम हमेशा कहते हैं डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट करना और बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं डुप्लीकेट का मतलब हरकतें Uh, आपके एक्शंस आपकी बात करने का तरीका वो डुप्लीकेशन होता है बट आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि डुप्लीकेशन कॉपी करना नहीं होता डुप्लीकेशन समझना होता है तो आप मतलब आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जिसको आप देख करके हमेशा कहते हैं कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है जब आपने शुरू किया था वो कौन था सी मैं मैं सच बताऊँ मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ इंटरव्यूज में ये भी बोला है कि इंस्पायर इंस्पिरेशन इंस्पायर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लोगों को देखें आप इंस्पायर तो आप अपने गांव में जो एक गणित का टीचर होता है ना उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं आप मैं लाइक like, बहुत से ऐसे आम लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ जिनका परफेक्शन था भले वो कोई भी काम कर रहे हूँ लेकिन उसमें उसका परफेक्शन होता था वो ऑटोमेटिकली होता था उसके पीछे आई डोंट नो उसकी क्या क्या थॉट था फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक मैकेनिक था मैं सच बता रहा हूँ उसका उसका उसको इतनी नॉलेज थी उसमें अपने काम में कि वो दूर से गाड़ी चलती हुई गाड़ी को ना बता देता था कि उसमें ये प्रॉब्लम है बॉनिट खोलता था सबसे पहले हाथ उसी उसी इंस्ट्रूमेंट पर जाता उसी अपरेटस पर जाता था उसका जहाँ प्रॉब्लम होती थी हाथ, ऐसे हाथ क्या और ठीक होगी गाड़ी तो ये मैंने सोचा ये यार ये तेरे अंदर ये, ये क्या खास बात है ऐसे तू कैसे सोच लेता है कि उसने बताया नवाज भाई मैं मैं रात में सोता हूं ना तो भी पुरुषों के बारे में सोचता हूँ मैं यू you नो know? तो जरूरी नहीं है कि आप आप इंस्पायर जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से ही हों छोटे छोटे -छोड़ अगर आप गौर से देखेंगे ना आपके आसपास ही बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने काम में परफेक्ट होते हैं परफेक्शन होता है उनके अपने काम में ज़रूरत है आपको आपको अपना दिमाग खोलने की सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है आप ही को क्रिएट करना है हैं ये कंपोनेंट्स यहीं पे पड़े हुए हैं कहीं जा के दूसरे शह, दूसरे शहर से दूसरी कंट्री से नहीं लेके आना है यहीं पड़े हुए हैं आपके आस पास ही बिखरे हुए हैं ये आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि उन जो आपके पास पड़ी हुई वो चीज़ें हैं उनसे आप क्या क्रिएट करते हो आपको डिस्कवर करना है एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है हमारे इस साल के मैजिक का थीम है ड्रीम चेंज इंस्पायर और हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे और हमको यह लग रहा था कि अगर ये थीम सूट करता है ना तो वो बहुत कुछ आप पे सूट करता है बिकॉज आपने एक सपना देखा आपने बदलाव लाने और दिखाने की चाहत रखी और आज आप इस स्टेज पे नहीं दुनिया के बहुत बड़े स्टेजों पे खड़े होके हर एक एक्टर को इंस्पायर कर रहे हैं और आज यहाँ पे जितने लोग हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो भी आपसे वो इंस्पिरेशन देख करके समझ करके इस बात से जब वापस जाएंगे तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दकी जिन्होंने सारे चैलेंजेस देखे और सफलता इतनी पाई है जो बहुत जैसे कहते हैं ना आप कह रहे थे कि मैं पाँच फुट छः इंच गोरा नहीं बट बहुत सारे गोरे और बहुत सारे छः फुट लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा जो इन्होंने पाया है एंड तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें अपने ऊपर डाउट है जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगा क्या जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझ में अब उस बात की एबिलिटी नहीं है या मुझ में कुछ है नहीं मैं कम हूँ और हम जब स्टेज पे आते हैं तो हमें देख करके लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के आज लोगों को ऐसा लगता है कि इसने तो कर लिया मैं मैं नहीं कर पाऊंगा तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सी उसने वो कर लिया जो उसको करना था है ना आपको आपको वो करना है जो आपको करना है अगर आप ये सोचेंगे कि उसने जो उस जो उसको करना था उसने कर लिया अब मैं क्या करूं तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो फॉलो उसी को कर रहे हो बिल्कुल आपको खुद का आपको खुद की अपनी आवाज सुननी पड़ेगी एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूं इस मामले में बहुत ही इंडिविजुअल होना पड़ेगा बहुत ही प्राइवेट होना पड़ेगा आपको कि मैं क्या करना चाहता हूं मेरे क्या थॉट हैं मेरे क्या ड्रीम्स हैं पहले तो सपने देखने पड़ेंगे आपको और सपने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए सी सपने कभी कभी आप सपने देखते हैं ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है लेकिन पता है जो सपने देखते हैं वो ही वो पॉसिबल हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं पहले सपने तो देखना शुरू कीजिए वो तो कहते ना गांधी जी का था कि गांधी जी का था ना एक कोटेशन था कि वो सपने वो होते हैं जो जो आपको सोने नहीं देते दिन में भी हैं वो इस तरह का था ना कि अब्दुल कलाम हाँ? ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट दोस व्हिच यू सी व्हेन यू स्लीप बट ड्रीम्स आर दोस व्हिच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप टू स्लीप एग्जैक्टली तो मैंने खुद ने देखा है कि एज एन एक्टर मैं तो अपने एज एन एक्टर ही बात करूंगा मैं जब रात में सो रहा हूं और मुझे ड्रीम आया कि मैं एक रोल ऐसा कर रहा हूं कुछ अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है अजीब सी उसका डायलॉग डिलीवरी है और अजीब सा ही मतलब और सुबह उठा के थोड़ा थोड़ा याद रह गया मुझे कुछ ऐसा लेकिन बार बार कई बार जब वो सपने देखे मैंने तो अजीब सा कुछ अजीब सा ही कुछ था और जो मेरे बूते के बाहर की चीज़ थी वो ऐसा सपना था वो ऐसा कुछ मैं परफॉर्मेंस वाइज देख रहा था कुछ जैसे कभी कभी आप कुछ फिल्में देखते हैं कुछ इंस्पायर हो जाते हैं कि कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस से इंस्पायर हुए और मुझे मैं उस परफॉर्मेंस के काबिल भी मतलब उसके आसपास भी नहीं था मैं तो मैंने सोचा यार ये तो मैं ये इम्पॉसिबल है तो मैं कर ही नहीं सकता और जब मैं उठ के करना शुरू किया मैंने वो जो मैंने सपना देखा था वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो बहुत ही भोंडापन सा हो रहा था उसमें बहुत ही अजीब सा लग रहा था मैं खुद ही घबरा गया अपने आप से मैंने ये मैं क्या कर रहा हूं बट यू नो बार बार उसी चीज को जो मैंने सपना देखा था उसी को बार बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता रहा करता रहा करता रहा बाद में आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रियलाइज उसके जैसा करने लगा हूं मतलब जो मैंने सपना देखा था यू you नो know? बिल्कुल कभी कभी आपने देखा होगा ये भी एक सपना ही था यार मैं उड़ जाता हूं चलो आज है ना सपना ये फैंटेसी थी कभी सोचा होगा कि किसी ने कोई सोच भी नहीं सकता था वो भी एक सपना ही था ना आज लोग चले जाते हैं ना एक दूसरी कंट्री से उड़ के चले जाते हैं ये भी सपना ही था किसी का सपना ही रहा ये सारे सपने थे एक्चुअली जो आज एग्जीक्यूट हो रहे हैं कुछ सालों के बाद एग्जीक्यूट हो हजारों सालों के बाद एग्जीक्यूट होते होते चले गए तो सपना देखना जरूरी है और एबसर्ड सा सपना देखना और भी जरूरी होता है सपना कैसा भी देखना जरूरी होता है क्यों क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी होती है जितना एब्सर्ड सा अजीब सा सपना देखेंगे आई थिंक उस पर जब आप फोकस करेंगे ना तो आई थिंक वो बहुत ही खूबसूरत चीज बहुत खूबसूरत चीज होती है वो साधारण सपना देख लिया तो ठीक है सो के वो तो कोई भी देख लेता है साधारण सपना मैं कहता हूं असाधारण सपना देखना देखना चाहिए क्योंकि सपना असाधारण सपना वो तभी आएगा जब आप असाधारण सोच के होंगे आपकी एक बहुत 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 मतलब कितने बहुत लगाऊं शायद कम होगा मेरे हिसाब से एक सीरीज है मैंने बोला ना एक्चुअली नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है सेक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स पे इस समय सबसे ज्यादा वॉश सीरीज में से है अब मुझे पता है कि मैं आई वॉज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम और मुझे जब सीजन टू रिलीज हुआ ना तो इतना वेट कर रही थी कि कंट्रोल नहीं हुआ मैंने सारे डाउनलोड करके फ्लाइट में पूरी पूरी फ्लाइट में बैठ के कंटिन्यूस देखा और पूरी सीरीज में मैंने सिर्फ एक चीज ये मेरा ऑब्जर्वेशन मेरा थाट प्रोसेस है देखा कि आपने बहुत शिद्दत से काम किया चाहे उस कैरेक्टर में इतने ट्विस्ट थे इतने ट्विस्ट इतने ट्विस्ट आपने हर चीज़ को जब किया हमारे बिजनेस में हम कहते हैं कि बहुत कुछ ना, जब लाइफ में हमको आ, आता है और हमें करना पड़ता है ना तो कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम समझ में आता है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करेंगे एक कैरेक्टर को जब आप करते हैं एज एन एक्टर और आपको इतने मॉड्यूलेशन करने पड़ते हैं जैसे हमें बिजनेस में एसोसिएशन करनी पड़ती है प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है क्लोजिंग करनी पड़ती है लाइन अप करना पड़ता है बहुत कुछ करना पड़ता है तो आपको कभी थकावट नहीं फील होती आपको नहीं लगता कि यार मतलब मैं नवाज कहाँ चला गया मैं एक्टर हो, हो गया थकावट उस काम से होती जिसका शौक आपको नहीं होता मुझे तो मुझे तीन सौ पैंसठ दिन आ, मैं सी मेरे साथ मेरा अनूप आया वो जानता है मैं साल में ट्रैवलिंग को छोड़ के अगर ट्रैवलिंग नहीं कर रहा तो मैं तीन सौ दिन शूटिंग करता हूँ बाकी जो सिक्सटी फाइव डेज है ना वो ट्रैवलिंग के होते हैं अगर ट्रैवलिंग के भी ना हो ना मैं थर्टी थ्री सिक्सटी फाइव डेज जो है ना शूटिंग ही करता रहूँ मुझे इतना शौक है एक्चुअली मेरा ये एक मैडनेस है मेरे पास है और थैंक गॉड मुझे उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी प्रॉब्लम भी होती है एक्चुअली कि यार क्या है आप सिर्फ़ यही करते रहते हो यही कुछ थोड़ा सा बाहर जाओ घूमो फिरो है ना ऐसा होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है यार ये मैंने तो यही चाहा था ना यही पैशन था ना मेरा और यही मौका मिल रहा है मुझे करने का मौका मिल रहा है तो इससे मैं बोर कैसे हो सकता हूँ अगर थ्री सिक्सटी फाइव डेज मुझे काम पूरे बारह के बारह महीने आप यही करवाते रहें तो इसी का तो शौक़ है मुझे बिल्कुल ये ये छोड़ के मैं कहीं और जा ही नहीं सकता एक्चुअली अगर किसी को मुझे सज़ा देनी है तो मुझे एक्टिंग करवाना कम बंद करवा दे तो मैं खुद ही ऐसे ही मतलब ख़त्म हो जाऊंगा। तो मेरा शौक़ है ये और वो शौक़ जो है ना वो आपका जो शौक़ होता है जब वो पैशन बन जाता है ना तो वो आपकी लाइफ हो जाती है तो आपकी लाइफ ना जो ना तो किसी सक्सेस की मोहताज होती है अगर आज मुझे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो मैं थिएटर करना शुरू कर दूंगा वो बंद हो गया मैं दो लोगों को ले जाके यहां पे एक नाटक कर दूंगा स्ट्रीट प्लेस करना शुरू कर दूंगा क्योंकि वो मेरा पैशन है मुझे मैं मोहताज नहीं हूं कैमरे का है ना मैं दो लोगों को दस लोगों को लेके यहीं पे कुछ इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दूँ यहीं कुछ एक नाटक बना लूँगा और सबको इनवाइट कर लूंगा आज अब हमने एक प्ले किया आज अब देखो ना कुछ ना कुछ पैसे तो दे के जाएंगे ना आप भले एक एक रुपया दे के जाएँ तो हम लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों के मोहताज नहीं हैं अगर छोड़ भी देंगे ना तब भी हम अपना कहते ना कि वो एक होता है कि एक किसी को आप रेगिस्तान में भी छोड़ दो बिजनेस वो बिजनेस एक कॉम होती है जो बिजनेस करती है बिजनेस मैन ओके अगर उनको रेगिस्तान में भी छोड़ दो कि वहां पे भी बिजनेस कर लेंगे वो बिल्कुल मुझे लगता है क्योंकि उनके उनकी रग में रग में होता है वो उनके ब्लड में होता है वो जो भी आप काम करें वो काम आपके बाकी ब्लड में होना बहुत जरूरी है उसके लिए मैडनेस होना बहुत जरूरी है आई थिंक यहां बैठे दस हजार लोगों के दिल में भी कुछ मैडनेस है ये उनकी एनर्जी से पता चलता है क्योंकि हर बार जब भी कोई ऐसी बात की जाती है उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो हंड्रेड परसेंट होता है इसी रियली वंडरफुल एनर्जी आई एम टेलिंग यू ब्यूटिफुल एनर्जी ये एनर्जी बचा के रखनी है काम के लिए हमेशा के लिए बचा के रखनी है एनर्जी जब मैं तो इतने हम लोगों का था कि इतने बेशरम हो गए थे हम लोग जब बोलते थे ना हमसे कि यार मुश्किल है हम तो मैंने कि बेशरम बनना पड़ता है बहुत ज़रूरी है कहाँ जाएगी सक्सेस सक्सेस के लिए ना बेशरम बनना पड़ता है ऐसा बन जाओ कि सक्सेस भी शर्मा जाए वो जब हम चैलेंज करते थे कितने साल में दस साल में बीस साल में तीस साल में चालीस साल में कितने साल में मिलेगी सक्सेस हम तो रेडी थे मैं चालीस साल तक भी स्ट्रगल कर, करता रहता अगर नहीं मिलता मुझे मेरे अंदर तो वो पैशन था अगर मैं दिल से बोलूं, तो नवाज यहां पे बैठे जितने भी लोग हैं और जैसे मैंने आपको बताया हर इंसान के पीछे एक कहानी है कि वो कैसे यहां पे आकर के बैठा है और पैसे परिवार हर तरीके की लोगों के कहने की बोलने की हर तरह के चैलेंज जो सोच सकते हैं मैं गुजरी हूँ ये गुजर रहे हैं और आज जब आप यहाँ पे हो तो आप इनसे वो एक क्या बात बोलना चाहोगे जिसको वो यहाँ से जब जाएँ तो बोले नवाजुद्दीन सदगी ने कहा था और उन्होंने कहा था इसलिए मैं करके दिखाऊँगा सी मैं मेरा मेरे मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था एक छोटा सा एक्सपीरियंस छोटी छोटे इंसिडेंट्स है ना कभी कभी आपको लाइफ का पता चल जाता है तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था एक बार हम लोग जब 2000 में मुंबई आए थे तो बहुत सारे मेरे दोस्त यार भी आए थे कुछ शादीशुदा थे हमारे जैसे लोग अकेले ऐसे कुछ हम लोग ऐसे ही आ गए थे ट्रेनिंग सब लेके आए थे तो मेरा एक दोस्त था उसकी बेटी थी कोई चार पाँच साल की तो ये वो किस्सा बता रहा था कि नवाज़ पता है परसों मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा था उसने कहा पापा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए है ना और मेरे पास पैसे नहीं थे जो सुन कहानी सुना रहे थे उन्होंने बोला मेरे सीनियर ही थे वो थिएटर के उन्होंने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं थे और मैंने सोचा यार मैं अपनी बेटी को मतलब वो स्ट्रगल कर रहे थे फिल्मों के लिए टी वी सीरियल्स उनको मिलते थे लेकिन वो कर नहीं रहे थे कि नहीं फिल्मों में ही करूँगा फिल्मों में डायरेक्ट फिल्में स्टार्ट करूँगा तो ऐसा था उनका इस वजह से उनको काम नहीं मिल रहा था तो उनकी बेटी ने जब बोला पापा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए तो जब उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास पैसे ही नहीं है तो नवाज़ उस दिन मैंने सोचा कि भाड़ में जाए टीवी सिनेमा या वो मैं टीवी करूंगा लेकिन अपनी बेटी को जब भी बोलेगी आइसक्रीम खिलाऊंगा बट द थिंग इज सी मैंने बोला दादा मेरे सीनियर थे बोले दादा अगर मेरी मैं मेरी बेटी होती वो भी चार पाँच साल की है मैं उसको आइसक्रीम ना लेके देता और मैं मैं जो ये अगर मैंने सोच रखा था कि मैं टीवी नहीं करूंगा तो मैं ना मैं टीवी ना करता और अगर मेरी बेटी उस वक्त पे मुझसे आइसक्रीम आती तो मैं उसको आइसक्रीम ना खिलाता थोड़ा बहला लेता मैं उसको तो आइसक्रीम भूल जाती वो और ये लेकिन मैं करता वही जो मेरा पैशन था सी, बहुत बड़ी हिंदु, दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चों से प्यार ना करता हो लेकिन लेकिन आपका जो पैशन है आप, अपने पैशन से जब आप उसको अचीव करते हो ना जब आपकी बेटी बड़ी होती है तब वो जो फक्र महसूस करती गर्व महसूस करती है ना उसकी बात कुछ हो रहा है अभी वो पांच साल की मैंने बोला वो अभी वो पांच साल की, मेरी बेटी अगर होती मैं उसको बहला देता you know, चार्ली चैपलिन का किस्सा आपने सुना होगा कि बहुत सारे भाई बहन थे वो तो भूख लगती थी उनको है ना खाने वाने को कुछ होता नहीं था तो उनकी जो मदर क्या करती थी जब भूख लगती तो बच्चे माँ के पास आते थे म, मामा भूख लगी है ये वो तो उनकी मदर क्या करती थी उनकी मामा क्या करती थी जो विंडो थी उनमें सबको एंगेज कर लेती थी वो वो देख सामने जो आ रहा है देख कैसे चल रहा है वो कैसे बात कर रहा है वो देख हाँ हा 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 कैसे देख कैसे गिर गया वो केले के छिल पे फिसल गया वो सबको दिखाती थी उसमें पूरा दिन बीच ज़्यादा लोगों बच्चे जो थे भूल जाते थे खाना खाया कि नहीं आज तो मुझे लगता है कि शायद वहीं से जन्म लिया था चार्ली चैपलिन ने बिल्कुल चार्ली चैपलिन ने जन्म ले लिया था बट जो चार्ली चैपलिन बना वो वहाँ से बना था एक्चुअली तो मेरे कहने का मतलब ये कि ठीक है बच्चा है बच्चे को तो आप संभाल सकते हो तो बहला सकते हो खाना खिला सकते हो आइसक्रीम की जगह आज खाना खाना खिला सकते हो लेकिन बच्चे के लिए उस उस ज़िद के लिए उसकी वो ज़िद के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करें ऐसा मैं नहीं मानता मुझे नहीं लगता कि वो आप अपने पैशन से कंप्रोमाइज़ करें बच्चे को खाना खाना जरूरी है उस एज में आइसक्रीम भले ही ना खिलाओ बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में जो खाना खाने के लिए तरसते हैं उस बच्ची ने खाना खा लिया था लेकिन वो शौक था उसका आइसक्रीम खाऊं खाना खा लिया ना पेट भर गया ना अभी थोड़ा उसको उस, उस, वो अगर उस वक्त पे स्ट्रगल फिल्मों के लिए करता तो शायद वो बहुत बड़ा आज अपना पैशन अचीव कर लेता आप अपनी सक्सेस अचीव कर लेते जो वो चाहता था लेकिन उसने वो बच्ची की जिद पे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया उसने कि नहीं मैं अब टीवी सीरियल बड़े बाहर में जाए कोई भी काम है करके आऊँगा लेकिन मैं अपनी बच्ची को इसका आइसक्रीम खिलाऊँगा बच्चे की ज़िद बच्चों के छोटे छोटे शौक़ होते हैं अगर उनको आप पूरा करने पर आ गए ना तो फिर वो तो चलते चलते बोले पापा ये मुझे खिलौना दिलवा दो अभी ये दिलवाओ अभी ये दिलवाओ उसकी आदत पड़ गई अगर ऐसी तो च, वो फिर तो आपको आप आप भूल जाओ फिर पूरी दुनिया के खिलौने उसको चाहिए होते हैं लेकिन एक टाइम पे आपको बोलना पड़ता है बच्चे को भी अभी चुप हो जाओ, अभी बहुत हो गए खिलौने जब आपने मैंने जब बिजनेस शुरू किया था नवाज आज से आठ साल पहले तो मेरा बेटा उस समय पाँच साल का था और मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती थी और कई बार ऐसा होता था कि जब रात में घर पहुंचती थी तो वो सो रहा होता था और सुबह उठ के सिर्फ उसको स्कूल छोड़ती थी सिर्फ आधा घंटा और बहुत सारे लोगों ने बोला था बहुत सारे लोगों ने तो कैसी माँ है तू ऐसे कैसे कर सकती है तो इतना इतना पैसे के पीछे इतना पागल है कि मतलब और ना ही मुझे यहाँ पे बैठे बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारे लोगों को परिवार वाले ऐसा बोलते हैं एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है तुम्हारे सपनों से बट आज तेरह साल का मेरा बेटा है आज उसको जो चाहिए ना उसको बोलना नहीं पड़ता उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है क्योंकि वो आठ साल में ना सिर्फ मैंने सपनों को फॉलो किया और यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं ना उस उस चीज को करने से इतना डरते हैं जो आपने इतनी खूबसूरत बात बोली कि अगर हर चीज़ जो चाहोगे वो इसलिए दे दोगे क्योंकि तुम भागना चाहते हो बिल्कुल exactly. तुम छोड़ देना चाहते हो अपने पैसों को बहाना है ये। यही जैसे आप बता रही हैं कि मेरे मेरी एक फ्रेंड है उनका जब बच्चा जिद करता था मामा मुझे बैट चाहिए क्रिकेट का बैट चाहिए तो वो माँ पता क्या बोलती थी कि जाके पूछ क्या कितने का है तो जाता था बाजार जाता था वो पूछकर कितने का बैट है उसने बोला तीन सौ रुपये का बैट है बोले और जब माँ से बोलता था कि मामा तीन सौ रुपये का बैट है तो दोबारा माँ उसको क्या टास्क देती मालूम है उसको बोलती थी जा आप पूछ क्या कि डिस्काउंट कब मिलेगा इसके ऊपर तो दोबारा जाता था वो उसी शॉप पे अंकल ये डिस्काउंट कम आएगा इसके ऊपर बेटा तीन महीने के बाद आएगा इसके ऊपर डिस्काउंट <laughs> तो माँ बोलती थी आप बेटा तीन महीने डिस्काउंट आ जाएगा ना तभी लेना तो तीन महीने तक वो बैठता था पेशेंस पेशेंस ये सारी चीज़ें सिखाना वो आप लेने को तो दिलवा सकते हैं तभी दिलवा सकते थे लेकिन उसके जो तीन महीने बीते उसमें पेशेंस में वो आगे उसकी लाइफ में काम आएंगे वो कहते हैं ना कि सक्सेस जब मिल जाती है और बहुत पैसा आ जाता है आपके पास तो अपने बच्चों के शौक़ पूरे करने लगते हैं आप जब वो बड़े होते हैं ना बच्चे उनको करने की क्या जरूरत है हमारे तो शौक पूरे हो गए हमारे बाप तो रखे गया सब कुछ है पूरा एम्पायर के गया हमारे लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है तो उस तरह के हो जाते हैं वो बच्चे जब तक उनको एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि इसलिए इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे यहाँ स्टार हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको बना बनाए सारी चीज़ें मिल जाती है कभी कभार ऐसा भी होता है एक आध एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं मैं जनरली नहीं बता रहा हूँ आजकल तो खैर माँ बाप जो है बहुत समझदार हो गए हैं वो अपने बच्चों को चाहे वो स्टार हों चाहे आप हों हम हों कि अपने बच्चों को कैसे पालना है तो वो बहुत समझ से पालते हैं आज की डेट में ऐसे बहुत बड़े एक बहुत बड़े आ, स्टार थे हॉलीवुड के तो उनका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था शायद बहुत सारे लोग नाम भी जानते होंगे बहुत बिगड़ेल बच्चा था तो कई बार उसने कुछ गाड़ियाँ भी बड़ी रेस चलाता था ऐसे ऐसे और एक बार जेल में जेल जेल में चला गया वो तो जब वापस आया तो बोले पापा आपने मुझे मतलब मेरी बेल नहीं करवाई तो पापा ने बोला कि यार ऐसा है और उस उसने जो सारी प्रॉपर्टी है अपनी ट्रस्ट, ट्रस्ट ट्रस्ट के नाम कर दी जो स्टार था उसने तो उसने बोला कि ना तो आपने मेरी बेल करवाई और सारी प्रॉपर्टी जो है आपने ट्रस्ट के नाम कर दी मैं आपका बच्चा नहीं हूं क्या तो उसने बोला कि अगर तू तेरे को मैंने नाम दिया है अगर तू काबिल होगा ना इसी नाम से इसी नाम से सब कुछ कर लेगा अगर मैं अगर मैं सोच के तुझे पैसा दूंगा क्योंकि तू काबिल नहीं है मैं जितना भी पैसा तुझे दूंगा ना वो भी बर्बाद कर देगा तू अगर काबिल होगा तो इस आप खुद ही क्रिएट कर लेगा सारी चीजें प्यार की भी कहते हैं ना कि इंतहा होती है तो बहुत जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा भी आपने कि जिम्मेदारी बहुत जरूरी होती है प्यार में अगर बच्चा बह गया या प्यार में जब बह जाते हैं तो बह जाते हैं फिर बह ही जाते हैं ऐसा होता है हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना नवाज़ वो एक, एक टर्म हम यूज़ करते हैं अपलाइन डाउनलाइन जो ऊपर वाला है वो अपलाइन है जो नीचे वाला है वो डाउनलाइन है और सारे डाउनलाइन माँ बाप की तरह समझते हैं अपलाइन को और जितनी आपने बातें बोली वो सारी कुछ यहाँ पे उसी तरीके से ही लागू होती हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो सक्सेसफुल हो तो हमको तो दे दो कर दो हेल्प कर दो एक डी कर दो कुछ नीचे डाल दो जनोलॉजी बढ़ा दो मेरे प्लान्स कर दो बट माँ बाप जो हम लोग हैं वो हर बार कहते हैं खुद करो खुद सीखो खुद समझो खुद गिरो खुद उठो और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत बार गिर चुके हैं और हर बार उनको ये भी पता है कि गिरते हैं तो माँ बाप हमेशा होते हैं उठाने के लिए बट गिरना ज़रूरी है बिल्कुल भी है। गिरना ज़रूरी है कहते हैं ना कि फील्ड में रहोगे तो छक्का लगता है क्रिकेट के हिसाब से देखें पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है फील्ड में फील्ड में रह के छक्का लगता है सनवाज so, एक आखिरी सवाल आपको यहां आना आसान नहीं था आपने बहुत बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला इसके लिए सबसे पहले पूरे मैजिक सारे वीआईपी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच प्लीज बट एट द सेम टाइम मुझे यह पता है जो मुझे बताना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पे खड़े हैं है। <laughs> 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 नहीं नहीं मैं हूं बहुत सारे लोगों को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि so, मेरी समझ से एक चक्कर स्टेज का फिर से बनता है एक चक्कर स्टेज का फिर से बनता है बिल्कुल बिल्कुल ऑफ़ कोर्स। बिल्कुल ऐसे ना प्लीज आई थिंक एवरीबडी डिजर्व टू सी यू गाइस इज मैजिक? दिस इज नवाज़ुद्दीन हियर इन मैजिक डू यू वांट टू गिव हिम जस्ट लाइक दैट लव? for you and i think he deserves better than this from you phone chodo camera chodo dil dikhao yaar. nawaz Aapne एक बहुत ही खूबसूरत मूवी में काम किया था जो वन ऑफ माई मतलब जिन्होंने बिजनेस में मुझे पाला पोसा बड़ा किया है उनकी फेवरेट है माउंटेन मैन माउंटेन मैन माउंटेन माँजी हाँ एंड उन्होंने हमेशा उस कहानी को बहुत बहुत सुनाया है हम सबको और उसमें आपका एक डायलॉग है हाँ उसमें डायलॉग में बता देता हूँ आपको लेकिन यहाँ पे कुछ और लागू होता है जैसे उसमें है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं लेकिन लेकिन यहां चूंकि टीम है पूरी तो आप आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं से पहाड़ टूटता है फिल्म में यह था लेकिन आपके जुड़ने से पहाड़ बनता है यह सच है जितना जुड़ के रहेंगे उतना अच्छा है जुड़ने से ही चीजें क्रिएट होंगी मैजिक टीम की तरफ से हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको कैन वी हैव एवी कैन वी हैव दैट Kick. किक का एक डायलॉग सुना देता हूं जब तक ये बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक हो तो मैं तुम्हें एक डायलॉग था कि पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपने कभी नहीं बनी जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया वो एक्चुअली टीम ये चाह रही थी आपके बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस में और हमको बहुत मोटिवेट करती हैं और आपने बहुत खूबसूरती से एक बोला और एक और है भगवान भरोसे मत बैठिए हाँ एक बहुत अच्छा डायलॉग है वाकई <laughs> थैंक यू सो मच आपने याद दिलाया एक डायलॉग है ये जो बातें मैंने जितनी भी की मैंने शायद इसलिए की क्योंकि मेरा वो थॉट है और उस थॉट का सार है जो माझी पिक्चर में था कि भगवान के भरोसे मत बैठिए क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो क्योंकि क्योंकि भगवान भी वेट करता है भगवान वेट करता है ये खड़ा हो के कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा घर में लेटे लेटे रूम में रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका जब आप जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं सोचते हैं कि वाकई कुछ करना है तभी भगवान साथ देता है जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता गैंग सुबासीपुर को एक डायलॉग की फरमाइश आई है तो आपके सामने कर देता हूँ हालांकि वो डायलॉग पता नहीं आई डोंट नो क्यों लोगों को बड़ा अच्छा लगता है मुझे कभी भी उसमें मज़ा नहीं आया फ्रेंकली स्पीकिंग लेकिन मैं सुनाता हूँ बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा गा तेरा फैजल लैंक यू वेरी मच आई थिंक लोग कुर्सी छोड़ के सब नीचे आ चुके हैं बिकॉज सब आपको बहुत करीब से देखना चाहते हैं <laughs> और पूरी मैजिक टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मैंने एक बार बोला है दो बार बोला और शायद पूरी रात जब तक आप हमारे साथ हैं बोलती रहूंगी। एंड हमारी कंपनी और हमारे जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सब की तरफ से एक बहुत छोटा सा बट बहुत दिल से आपको कुछ देना चाहते हैं थैंक यू मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैजिक टीम को और जितने भी टीम के सदस्य हैं क्योंकि थैंक्स कि मुझे थैंक यू सो मच कि मुझे ऐसी एनर्जी के बीच मुझे ला के खड़ा किया ट्रस्ट भी रियली really, आप लोगों ने आप लोगों ने रियली मुझे बहुत ही स्पेशल फील करा दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच ज बीन ऑफ और हम कोशिश करेंगे कि मैजिक हर साल हो और हर साल आप हमारे साथ इस परिवार का हिस्सा बन के आ सके अगर अगर हम गुजारिश करेंगे तो प्लीज आप कोशिश कीजिए जब भी मुझे मैजिक टीम बुलाएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में थैंक यू वेरी मच थैंकोट ऐसे ही ये एनर्जी बनी रहे ऐसे शाइन करते रहे आप और उसी एनर्जी के साथ आगे जो सपने देखे हैं वो पूरा होते रहें आपके लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सब मिलके आप अपने सपनों को पूरा करेंगे थैंक यू सो मच एंड मैं बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज सीईओ ऑफ आर कंपनी मिस मलू जो ऑल द वे हांगकॉन्ग से आई हैं आपको सुनने के लिए हिंदी बहुत कम आती है बट उन्होंने अपने बगल में किसी को बिठाया था पूरे ट्रांसलेशन के लिए Malu i'm just translating all the things later on to you. And thank you very much. <laughs> Thanks. And she wanted to gift you a very special watch and i think Malu you should talk about the watch. Yes. In behalf of uh, the QNET family Mr. Nawaz we thank you very much for gracing this amazing event and thank you for you know your inspiring story and for motivating everyone. Thank you so much thank for being an much. inspiration. So we would like to present to you this Watch. Uh, it's a watch collection from Manchester oh City. Oh my God! This amazing. Yes. Thank you very much. Thanks. This is a very special collection from our with Manchester. This is a very special watch collection, uh, specially designed with our sponsorship for Manchester City. We're very proud to thank present you, thank, this to you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much. क्या हुआ बस इतना था नहीं I know not for the last time because I guarantee you this is not the last time he's coming up here on magic stage. This is just the beginning and every year we will try to get him here or at least if not possible if because he is a busy man because he follows his passion. He follows his dream. But when you have promised, we will you and will I will definitely so thank you so much from the whole magic team and one for the last time, guys. Show your love, show your passion, and show that dreamers job ek sat hotehe, top kyah hota hai. Show him the love, show him what is working from heart, and thank him. Thank you so much.